मैं पंकज कुमार विराट नॉटी गैंग का डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ये मेरे हीरो हैं वीरेन बीका विविधा कीर्ति और कैफ खान अभी कुछ लोग और आ जाएंगे अभी जो कास्टिंग में है तो हमने की फिल्म बनाई है नॉटी गैंग कॉमेडी फिल्म है और आजकल बहुत ही बेरोजगारी पे बहुत बेरोजगारी फैली हुई है तो उसको लेके हमने एक कॉमेडी में कुछ सोचा कि आजकल जो लड़के लड़कियां हैं कि बहुत छोटे रास्ते से बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं बाई हुक बाई क्रू कैसे भी कि भाई हमारे को नाम भी चाहिए पैसा भी चाहिए तो वो एक सब्जेक्ट हमने उठाया इसमें कि गांव के तीन लड़के हैं जिनका एक यही है कि बहुत बड़ा बनना है हमारे को कैसे भी वो एक चोरी करते हैं गाँव में वहाँ पर फंसते हैं वहाँ से निकलते हैं वो तो वो एक बड़े शहर में गोवा में पहुँच जाते हैं जहाँ पे तीन चार लड़कियों का एक ग्रुप है जो उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसे ही तो एक उनका गैंग चल रहा है और इसी में एक रोमियो है जिसका अपना एक गैंग है विलेन है वो तो ये तीन गैंग इकट्ठे होकर और फिर ये क्या मस्ती मजाक करके सारा एक दूसरे को कैसे टॉम एंड जेरी स्टाइल में ओवर पावर करते हैं कभी लड़के लड़कियों को ओवर पावर करते हैं बीच में एक विलेन जो मुकेश तिवारी जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं रोमियो का तो ये सभी में फिर आपस में छीना झपटी ये वो सब उस तरह का सब्जेक्ट है लेकिन लास्ट में क्या है कि उसका मॉरल यही है कि हम कितना भी कुछ गलत रास्ते पे चल पड़े लेकिन लास्ट में हमारे को अपने जो हम अपने रिलेशंस भी याद आते हैं हमारे को एथिक्स भी याद आते हैं तो हमारे को साफ सुथरे रास्ते से ही अपना चलना चाहिए अदरवाइज कुछ भी याद नहीं लगता हमारे रिलेशंस भी खत्म हो जाते हैं और पैसा वैसा जो हम सोचते हैं बहुत बड़ी चीज़ें हैं वो कुछ भी हमारे को याद नहीं आता तो ये वन लाइन इसका स्टोरी है और 31 मई को ये रिलीज हो रही है हमारी फिल्म इसका प्रमोशन वगैरह अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी आप जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें जी जी मैडम आप बताएं अपने बारे में किस प्रकार का किरदार और कितने एक्साइटेड हैं आप मेरा नाम है विविधा कीर्ति और मैं इस मूवी में लीला का रोल प्ले कर रही हूँ लीला शी इज लाइक डॉन यू कैन से और मतलब मैं जो ये सर ने बताया कि जो एक लड़कियों का ग्रुप होता है तो उसमें मैं उनकी बॉस का रोल कर रही हूँ और आई एम द वन जो उन लड़कियों को जो भी बाकी आप मूवी भी देखेंगे मैं ये सरप्राइज खत्म नहीं करना चाहती एग्जैक्टली सो एंड या ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली हमारी मूवी रिलीज हो रही है क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एग्जैक्टली एंड सर और मूवी आजकल आपको पता ही है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन रिलीज का थोड़ा सा इशू रहता है बट हाँ थैंक्स टू यू सर फॉर रिलीजिंग एंड हम एक्ट्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है एंड आई एम रियली एक्साइटेड तो लीला का रामलीला नजर आएगा इस फिल्म में हाँ जी बिल्कुल आपको बहुत वेरिएशंस दिखेंगी और लीला की रामलीला भी और रासलीलाएं भी दिखेंगी नहीं वैसा नहीं है बहुत नीट एंड क्लीन कॉमेडी है इसमें वल्गैरिटी कहीं पे नहीं है बहुत नीट एंड क्लीन है So, as you know, it's a comedy movie, so it has a comic timings और सब कुछ mixture है, so you'll enjoy. Okay, sir, आप बताएं. जी sir. सर मेरा नाम कैफ खान है और आई थिंक मेरी आपकी मुलाकात हो चुकी पहले भी पहले वाले सेट पे सर ये फिल्म बहुत कमाल की फिल्म है सर ने बहुत प्यार से लिखी है पंकज विराट सर ने और ये तीन लड़कों की जो कहानी सर ने पिरोई है जिस तरह से आप देख के मतलब आजकल बहुत सारी फिल्में आती हैं 100-200 करोड़ की फिल्में बनती हैं वो भी नहीं चल पाती कभी कभी ऐसी छोटी छोटी फिल्में होती हैं जो बहुत बड़ा काम कर लेती क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बड़े कमाल के होते हैं तो सर ने बहुत ही बेझिझक होकर कमाल की जो स्क्रिप्ट लिखी है और कमाल की जो उसमें टाइमिंग है कॉमेडी की जो सर ने जिस तरह का शूट किया है वो काबिल तारीफ़ है बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है आप लोग सभी मतलब जब भी आप फिल्म ये रिलीज़ होगी देखेंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि वाकई में एक नीट एंड क्लीन और एक अच्छी कॉमेडी फिल्म अभी हमें सर ने दी है वैसा रिलीज पे है फिल्म जी सर धड़कने में भी सब कुछ तेज है सर जी सर जी सर देखिए आशाएं तो बहुत सारी हैं जिस तरह का काम किया है फिल्म में और जिस तरह का मतलब सब ने एक एक मतलब मेहनत की गई है फिल्म के लिए सर तो आशाएं बहुत सारी हैं क्योंकि सर आशाएं नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम है सर आशा रखना बहुत ज़रूरी है और ये फिल्म कमाल की है सर और आशाएं अच्छी चीज़ से रखी जा सकती है तो हम लोगों की सबकी बहुत आशाएं कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे आप लोगों को सबको बहुत पसंद आए जो देखने वाली ऑडियंस है जो लोग हैं जितने भी लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में देखिए आज के टाइम पर सर जो भी इंसान थिएटर में जाता है वो दो घंटा 20 मिनट 10 मिनट के लिए जाता है वहाँ पे टेंशन के लिए नहीं जाता है वो जाता है कि भाई 2 घंटा उसका दिमाग से कोई रिलीज हो चीज़ें जाके वो सुकून से बैठ के हंस खेल के वहाँ से आ सके तो हमने पूरी कोशिश की है सर उस तरह की फिल्म बनाने की बाकी आप ऑडियंस हैं बहुत सारे लोग हैं वो देखेंगे तो हमें तब पता चलेगा सर हमने क्या किया है सर ये सर आप बताएं प्रोडक्शन
लीला के साथ कैसा रासलीला या रामलीला में आपका क्या? मेरा नाम वीरेन बिक्का है। मेरा वैसे इस फिल्म में सभी के साथ, लड़कियों के साथ खास करके रासलीला ही चलती है लगभग, क्योंकि मैं गांव में एक लड़की जो मेरे से बहुत मोहब्बत करती है, जो विद्या का रोल प्ले कर रही है, वो मेरे लिए इतना पागल है लेकिन मैं उसको कुछ भी नहीं समझता। और उसके बाद वो उसका मिसयूज़ करता हूँ मैं कैसे भी करके। फिर हम चले जाते हैं गांव से बाहर, थेरेपी सेंटर में चले जाते हैं। बीच में और बहुत सारी घटनाएं होती है जिसमें भी हम लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। थेरेपी सेंटर में लीला के साथ तो हमारा थोड़ा ज़्यादा तालमेल बैठा है। और भी एक दो कैरेक्टर हैं उसके साथ, मतलब लड़कियों के साथ थोड़ी रासलीला मेरी ज़्यादा रही है। और जैसा मेरा रियल कैरेक्टर है और इस फिल्म में थोड़ा डिफरेंट है बिल्कुल, तो मूवी बहुत अच्छी लिखी है सर ने। और कैरेक्टर जो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर लिखे हैं सभी के, वो सबसे भिन्न प्रकार के कैरेक्टर हैं सभी के अलग। हाँ ये है, आपको सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग दिखेंगे। करेक्ट। और मैं वैसे जयपुर से हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और मैंने 4 साल जयपुर में थिएटर किया, उसके बाद मुंबई आया, यहाँ पे मैंने वर्कशॉप वगैरह की, एक्टिंग क्लासेज ज्वाइन की। और थिएटर में जयपुर में मैं एक प्ले कर रहा था, उसमें पंकज सर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपको एक फिल्म के लिए लीड रोल के लिए लेना चाहते हैं, तो वो पल मेरे लिए बहुत खुशी का पल था। बहुत अच्छे एक्टर हैं ये ना, मतलब एक्टर बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा लगा हमारे। थैंक यू सर, आपको मतलब कुछ तो मेरे अंदर दिखा। और जब मैं ये कर रहा था उसके बाद सर ने मुझे बुलाया प्ले के बाद, तो इन्होंने मुझे बताया कि हम फिल्म कर रहे हैं, इसके लिए आपको लीड रोल में रहना चाहते हैं। ओके पंकज जी, 31 मई जी क्यों आपने डिसाइड किया रिलीज करने का? वेकेशन चल रहा है और लोग घरों से बाहर नहीं। अभी हम एक्चुअली इसको 26 अप्रैल को पहले प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर इलेक्शंस आ गए, फिर IPL आ गया, तो थोड़ा सा इसलिए हमने इसको 31 मई पे लेके गए, क्योंकि 31 मई पे अभी कोई फिल्म नहीं है, तो 26 को एक फिल्म है और उसके बाद फिर 5 को, तो 31 फ्री भी था और फिर छुट्टियाँ भी हो रही हैं, वैकेशन भी हो रहे हैं, तो ऑफ के अच्छा करे फिल्म। आशा है कि निकल आएगा पैसा जी। देखिए आशा तो ऊपर, ये क्या है, पूरी फिल्म हमारे भगवान भोले बाबा पे के आशीर्वाद से ही बनी है। मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, तो उन्होंने ही बनवाई है, कैसे बनी है, कैसे क्या सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो वही देखेंगे आगे। पंकज जी, सेंसर का क्या प्रक्रिया रहा, किस प्रकार से रहा? सेंसर का अच्छा रहा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। US सर्टिफिकेट फिल्म को मिला है, तो जल्दी हो गया हमारा, कोई उसमें कोई कट नहीं लगा है हमारा जो फिल्म था यूए। हमने पोस्टर के बारे में थोड़ी जानकारी थी, क्या है जी ट्रांजिट रेडियो ये सब? हाँ ये एक्चुअली जो रेडियो तो रेडियो नहीं है सर, वो एक्चुअली चेयर वैसी है, वो रेडियो नहीं है, वो रेडियो नहीं है, बात में इसे आपने बोला तो मैं ढूंढ रही हूं रेडियो। अच्छा, हमारे ये एक फिल्म का एक जो इनके बचपन का कैरेक्टर किया है गोरांच उपराजा, ये गोरांच है, तो इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छे डांसर है ये, तो थोड़ा सा ये भी बताएंगे अपने बारे में। थोड़ा सा पोस्टर के बारे में बताएं ना, किस क्या डिजाइन, क्या नॉटी गैंग जो लिखा हुआ जी इसमें? जैसे मैंने बताया कि ये सभी जो, जैसे 3 लड़के हैं, फिर ये 4 लड़कियां हैं और एक डॉन है, तो ये सभी नॉटीनेस, मतलब सभी पैसे के पीछे भी पागल हैं और कोई लड़की के पीछे है, तो सब उसी तरह ऐसा, तो वही डिजाइन किया है कि ये लड़की जो है बाद में क्या है, ये लड़के इन लड़कियों के साथ प्यार भी करना शुरू करते हैं, तो एक गैंग फिर इनका सबका कंबाइंड एक गैंग बन जाता है, जो 9-10 लोग हैं इनका एक कंबाइंड गैंग बन जाता है। तो ये किस चीज के लिए क्या कुछ, मतलब वो सब प्लानिंग चलती है इनमें, वो भी डिस्क्लोज मैं आपको पूरा स्टोरी नहीं कर पाऊंगा, तो वो स्टोरी मतलब जो भी पोस्टर डिजाइन है वो सब फिल्म से रिलेटेड है। इस फिल्म में पूरा डाकू का शिष्टमंडल मौजूद है? डाकू नहीं है, पॉकेट मार भी नहीं है, सब मतलब हेरा फेरी करने वाले लोग हैं। अच्छा, कि हेरा फेरी करके कैसे मतलब इसको बेवकूफ बनाया, उसको बेवकूफ बनाया, जैसे भी करके अपने आप को मतलब इस तरीके से एस्टेब्लिश करें, अपने आप को बड़ा बनाएं, पैसा कमाएं, नाम कमाएं, वो सब चीजें। अब ये सिचुएशनली कॉमेडी है, तो इसमें सिचुएशंस ऐसी होती जाती हैं कि लड़के जहां भी करने जाते हैं वहां फंसते हैं। अभी लड़कियां भी क्या है, ये कुछ कर रही है तो ये भी जो फ्रॉड कर रही है, बहुत बड़े नाम पे कर रही है, इनको आता जाता कुछ नहीं है। ऐसे ही वो डॉन है जो रोमियो का जो कैरेक्टर है, वो इस लीला के प्यार में पागल है। सर आप बताइए, चलिए आप इस पोस्टर को देख के आपको क्या लगता है, क्योंकि हर एक पेंटिंग को देख के हर एक का परसेप्शन अलग होता है, आप बताइए। मुझे अच्छा लग रहा है, आंखों को अच्छा लग रहा है कि कुछ होगा इसमें। दूसरा पंकज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितने थिएटर में रिलीज हो रही है फिल्म? और अभी हमारे 300 स्क्रीन्स में हम रिलीज कर रहे हैं इसको, 300 स्क्रीन, 300 स्क्रीन्स जी, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया और
क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से जब ये लगे कि थिएटर में क्यों पार्ट बने इसका? हाँ, पार्ट में इसलिए बोलूँगी, फैमिली फिल्म है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉमेडी है। इसमें एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा सभी को, मतलब लाफ्टर का, जिसको बोलते हैं कि हाँ रिलैक्स होने जा, आप जा रहे हैं, आप टेंशन में हैं तो आप जाके कॉमेडी फिल्म एक देख रहे हैं, वो जितने भी कॉमेडी फिल्म आई हैं उस तरीके की कॉमेडी फिल्म है, तो इसमें कोई टेंशन मिलेगी नहीं, आप रिलीज करके ही आएंगे। दूसरा एक मैसेज है कि हाँ भाई, यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप साफ सुथरे तरीके से चलते रहेंगे तो आप जिंदगी में कुछ मिल सकता है, अदरवाइज आप ऐसे ही आप फंसते भी जाएंगे, आप कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, एक बार ठीक है आपको कुछ मिल जाएगा लेकिन लास्ट में आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, रिलेशंस भी निकल जाएंगे, पैसा भी निकल जाएगा, तो कुछ हाथ नहीं मिलेगा एंड में आपको, तो ये मैसेज भी है एक फिल्म में, तो ये मेरे को यही कहना है कि भाई जरूर देखनी चाहिए सभी। चलते आखिरी सवाल पकड़ जी, इसके पहले भी आपने कुछ किया है? जी मैं टीवी में, इससे पहले मैं टीवी इंडस्ट्री में रहा हूँ काफी सारे, मैंने भगवान महावीर पे एक सीरियल किया था, बेसिकली मैं जैन हूँ तो मैंने भगवान महावीर पे एक सीरियल किया था, करुणा के सागर भगवान महावीर, तो काफी उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया था। उसके बाद भक्तांबर एक महाशक्ति पे किया था, उससे पहले तो काफी दूरदर्शन पे मैं कर चुका हूँ, कैसा ये बंधन, प्रीत टूटे ना कभी, ऐसे काफी सारे टीवी इंडस्ट्री में मैं रहा हूँ पहले, उससे पहले। और अभी जैसे नोटी गेम कंप्लीट हुई है और अभी मैं फिर एक मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है रामदेव, उस पे मैं काम शुरू कर रहा हूँ, उस पे जी बाबा रामदेव, नहीं राम स्लैश देव, हमारी स्क्रिप्ट रेडी है, अभी ये देख के ही पता चलेगा, अभी मैं सब्जेक्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कि बाबा पे भी हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है, लेकिन वो भी एक सोशल फिल्म है, सोशल ड्रामा है, तो वो भी बहुत एक मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिल्कुल यूनिक सब्जेक्ट है, तो उस पर उसका स्क्रिप्टिंग हो गई है, सब प्री प्रोडक्शन उसका हो गया है, उसकी बस कास्टिंग चल रही है अभी, तो कास्टिंग वास्टिंग सब हो जाएगी, तो फिर हम जैसे ही रिलीज होती है, नॉट एगेन रिलीज होती है, इमीडिएट बाद हम रामदेव स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक फिल्म तो थी और दूसरी भी फिल्म आ गई, मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे दर्शकों से जब ये फिल्म लगेगी 31 मई को थिएटर पे? सर हम सबके मुझे लगता है चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि ये कब मूवी रिलीज होगी, और ऑफ कोर्स यूथ को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि पोस्टर से आपको पता लग ही रहा है कि थोड़े से अट्रैक्टिव हैं, तो लोगों को अच्छा लग रहा है देखकर, एंड दे आर कीन टू वॉच इट। तो मैं सबसे यही बोलूंगी कि अगर लाइफ के स्ट्रेस से आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, थोड़ा आपको अगर कुछ यू नो मस्ती करनी है या आपको हंसना है, तो प्लीज़ ये मूवी देखिए, और हाँ उसके साथ साथ में आपको मैसेज भी मिलेगा जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में सबको देखना। तो मेरी अपील जा रही है और तब तक रहेगी 31 मई तक, जब तक मूवी स्क्रीन पे नहीं लग जाती। ट्रेलर लॉन्च कर लिया? ट्रेलर 8th को लॉन्च है हमारा, 8th मई को, नेक्स्ट वीक। जी सर, अपील ये है कि सर दर्शकों से कि जाएं इस फिल्म को देखें ज़रूर, क्योंकि आज के दौर में अच्छी कॉमेडी फिल्म्स के नाम पे सिर्फ लोगों को कॉमेडी तो मिल ही रही है। आज एक फिल्म आती है और वो चली जाती, पता भी नहीं चलता है, बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं सर, बट कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो सब्जेक्ट बेस्ड होती हैं, इसमें कॉमेडी के साथ साथ बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी है कि ज़िंदगी में आप कहाँ किससे भागोगे, आप खुद से तो नहीं भाग सकते, जहाँ भी जाएंगे आपकी खुद की पर्सनैलिटी आपके साथ में रहेगी, तो गलत करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसमें कॉमेडी के साथ साथ सब एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। तो सभी से ये अपील है दर्शकों से कि इसको जाएँ देखें और देख के हमें और आशीर्वाद दें और आगे हम फिल्में बनाते रहें, हमारी यही सबसे रिक्वेस्ट है, यही हमारे लिए। चलिए सर, आप कुछ मैं सर सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पिछले 2-3 महीने से सभी का मेरे से एक ही प्रश्न था कि तुम्हारी मूवी कब रिलीज हो रही है, तो मैं आज ये मीडिया के माध्यम से ये बात सबको पता लग जाएगी कि हमारी मूवी 31 मई को रिलीज हो रही है, और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पोस्ट के उतना प्रमोशन करें, आपका प्यार मिलता रहेगा। जी मैं गोरांश को भी चाहूँगा कि गोरांश भी कुछ बताए, क्योंकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, डांसर है ये, शाहान, और सर ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था इस फिल्म के लिए, कहा था कि एक अच्छे रोल की ज़रूरत है, गौरांश आ जाओ देखते हैं, तो मैं एक्चुअली विवेक भैया का चाइल्डहुड रोल प्ले कर रहा हूँ, एंड हम पुणे गए थे शूटिंग के लिए आउटडोर, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मूवी बहुत अच्छी साबित हो, जिस तरीके से हमने मेहनत की है इस पर, जिस तरीके से सर का कॉन्सेप्ट है, लोग इसको सराहें, आप सब देखें। Thank you so much. That's it. Thank you. 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 Thank you
किस प्रकार का किरदार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली सबसे पहली बात है कि नॉटी गैंग के लिए हम लोग सुपर एक्साइटेड हैं, बिकॉज कॉमेडी फिल्म है जो कि हर किसी के लिए एक हैपनिंग मोमेंट होता है लाइफ में. इतनी सारी टेंशन हैं और उसके बीच में अगर एक कॉमेडी फिल्म आ जाए तो आपको 2.5 घंटे 3 घंटे का एक अच्छा इन्जॉयमेंट हो जाता है. एंड इसके लिए सुपर एक्साइटेड है. और इसका जो कैरेक्टर है मेरा, इसके अंदर एक डबल रोल का कैरेक्टर है जो कि बहुत ही एक सीधी सादी लड़की है और एक बहुत ही बोल्ड काइंड ऑफ लड़की है, और इसी का मैं कैरेक्टर कर रही हूँ. और कैसा उनके साथ रहा? अभी तक ये मेरी तीसरी फिल्म है, और अगर मैं सबसे सीधे डायरेक्टर की बात करूँ जो काम हो बिल्कुल गुस्सा ना करें तो पंकज सर हैं, क्योंकि हम लोग सेट पे थोड़ी बहुत भी अगर गलती करते थे, मस्ती करते थे, तो सर की आंखों से पता चल जाता था कि नहीं, मस्ती बहुत हो गई है, काम पे फोकस करो. और गुस्सा कभी सर को बिल्कुल आता ही नहीं था हम लोगों पे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ काम करके. होप सो हम नेक्स्ट टाइम वापस काम करें. पक्का जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, रश्मि के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो मेरे माइंड में जो करेक्टर्स थे, एक्चुअली ये डबल रोल है इसमें रश्मि का ना, तो एक बिल्कुल सीधी लड़की का है और जैसे रश्मि ने बताया कि एक बोल्ड करेक्टर है, तो मेरे माइंड में जैसा था कि डबल रोल ये प्ले कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बहुत कहीं ज़्यादा बढ़ के इन्होंने काम किया. बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. सेट पे लेट आना, फोन पे लगे रहना, ऐसा नहीं, ऐसा तो मेरे सभी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत हंसते खेलते हमने पूरी फिल्म पूरी की है. सभी आर्टिस्ट जैसे मैंने करेक्टर किए सोचे थे, सभी ने उसके अकॉर्डिंग अपना अपना करेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है, तो मुझे खुशी है किसी ने मुझे कोई ऐसा कोई परेशान नहीं किया. बहुत एक फैमिली की तरह हमने पूरी फिल्म कंप्लीट की है. रश्मि कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? ये लग रही है 31 मई को थिएटर में. दर्शकों से यही अपील है कि 31 मई को आप टाइम निकालें और हमारी फिल्म देखने जरूर जाएं. अपनी सारी टेंशनों को भूलकर, अपने सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसे साइड में छोड़ के आप हमारी फिल्म एंजॉय करेंगे, और होप सो आप लोग को बहुत पसंद आएगी. थैंक यू. रश्मि, कुछ इसके अलावा आपने कुछ किया है, कुछ बताना चाहेंगे? जी, 2014 में मैंने एक डीडी का सीरियल किया था. उसके बाद मैंने 2 फिल्में करी हैं. नॉटी गैंग मेरी तीसरी फिल्म है, और आगे के भी प्लान्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. पूरी नॉटी है ये, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है. हमारे डायरेक्टर साहब ने, उनका एक थॉट है, हर आदमी का थॉट अपना पसंद होता है, अपने पसंद का होता है, तो ये मैं जो कर रहा हूँ तो मेरा छोटा सा रोल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. बट एज अ फ्रेंड मैंने अपने एक दोस्त के लिए मुझे करना था, मुझे फोर्स किया कि करना है तो मैं कर लूँ. और फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है. आमतौर पर कहानियाँ वही होती हैं, उसमें किस तरह से आप स्क्रीन पे भी चेंज करते हो और किस तरह से सीन्स चेंज होते, कैरेक्टर्स चेंज होते, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है. तो इसमें उन्होंने इस तरह से स्क्रीन प्ले एंड कैरेक्टराइजेशन पर बहुत अच्छी तरह से वर्क करके एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाई है. आपके रोल को लेकर क्या कहना चाहोगे, किस तरह का रोल था आपका इसमें? छोटा सा रोल है, बहुत खास कुछ है नहीं करने के लिए. एक समझ लो जैसे कि दोस्ती के तौर पर मैंने ये फिल्म कर ली, और रोल एक गाँव वाले का रोल है. जो ये नॉटी गैंग में सर्टेन लोग होते हैं पुलिस वाले, जैसे मुकेश तिवारी, उन लोगों के साथ में मिल करके एक सस्पेंस रखा हुआ है इस फिल्म में. तो आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, उसके बारे में बताना नहीं चाहते. कुछ खास पल शूटिंग के दौरान जो आप शेयर करना चाहें, अच्छा लगा? नहीं, मैं तो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए था वहाँ पे, तो ऐसे कोई खास पल मेरे लिए तो थे नहीं. इन लोगों ने वाकई में वहाँ पे जब शूटिंग की होगी तो बहुत सारे ऐसे पल इनको मिले होंगे, क्योंकि साथ में जब नए लोग पहली बार जुड़ते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो 100% उनकी लाइफ में, उनके मतलब उन दिनों के जो 10 दिनों की शूटिंग में जो हुए होंगे, वैसे पल मिले होंगे 100%.